हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज पूनम फ्रॉम बी ब्यूटीफुल। तो आज की वीडियो में हम कॉम्पैक्ट पाउडर बनाना सीखेंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल, इजी एंड क्विक तरीका, जिससे कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बाजार जैसा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है यार्डले का पाउडर। आपके पास जो सिंपल पाउडर हो आप वो ले सकते हैं, जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच करीब ले लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं यहाँ पर लेकमे का फाउंडेशन है एक, या फिर आप इसके बजाय मेबलिन का बीबी क्रीम भी ले सकते हैं, जैसे ये है। तो या तो आप फाउंडेशन ले लीजिए या फिर आप बीबी क्रीम ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर फाउंडेशन लूँगी। तो बिल्कुल आपको थोड़ी सी लेना है, इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी ले सकते हैं आप। बिल्कुल 1/4 स्पून ली है मैंने, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे पाउडर में। बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा वो जब तक मिक्स करना। अगर आपको यहाँ पर पाउडर कम लग रहा है, जैसे गीला गीला हो गया ये, तो उसमें आप थोड़ा पाउडर और मिला सकते हैं। बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाना चाहिए इसे, देख सकते हैं आप किस तरह से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच से नहीं होगा, इसे हाथ से ही करना होगा। आप भी चाहे तो चम्मच रख के हाथ से ही कर लीजिएगा, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा हो गया ये। आपकी स्किन टोन के हिसाब से अगर आपका फाउंडेशन लेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपकी स्किन टोन का मैचिंग ही पाउडर बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है। बाज़ार में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे ही घर में बनाएंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, और इसे आराम से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं कई दिनों तक, अच्छा रहता ही है। तो मैं इसे यहाँ पे एक पेपर पे निकाल रही हूँ और इसे मैं फोल्ड कर दूँगी ताकि बाहर नहीं निकले कॉम्पैक्ट हमारा। और फिर मैं इसे कुछ ही पेंसिल वेंसिल की सहायता से या डंडी की सहायता से इस तरह से चला दूंगी, बेलन जैसा, ताकि वो जो भी इसमें डल्ला डल्ली रह गए हैं तो वो अच्छे से पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से पेंसिल या कोई डंडी, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं आप, पेन हो तो पेन ले सकते हो। तो इस तरह से ये पाउडर बन गया है, और मेरे पास ये मेरा कॉम्पैक्ट का खाली हो गया था, तो मैं इसी में से फिल करूँगी। आपके पास जो खाली हो चुका हो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल लूँगी थोड़ा थोड़ा, सब जगह एक जैसा। तो इसके अलावा मैंने और भी कई DIY की वीडियो शेयर की आप सबके साथ में, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, और आपको ठंड में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मैंने बॉडी लोशन, नाइट क्रीम और भी कई वीडियोस डाली है DIY की, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेकअप की DIY पसंद है तो वो भी मैंने डाली है, आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर के नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से डायरेक्ट मेरे चैनल पर चले जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी मेरी वीडियोज़। तो बाज़ार से अगर हम लेते हैं, अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि शेड गलत आ जाता है, या फिर हम जाके लेते हैं तो भी कई बार होता है कि या तो हमें सूट नहीं होता है या कई बार सेट नहीं होता है हमें। तो इसलिए हम ये घर पे बनाएंगे तो हमारे परफेक्ट कलर ही बनेगा हमारे लिए। मैं यहाँ रवि नेल कलर का यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। वैसे आपको ये केमिस्ट की शॉप पर आराम से मिल जाएगा। तरह से ड्रॉपर की मदद से मैं कुछ बूंदे डाल दूंगी और इस तरह से उंगली से इसे कर दूंगी, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। कुछ बूंदे ही लेना है हमें सिर्फ, और फिर उसे ड्राई होने के लिए रख देना है। फिर कुछ समय के बाद ये ड्राई हो जाएगा, तो काफ़ी पिगमेंटेड कॉम्पैक्ट बना है हमारा, आप देख सकते हैं। आप कितना पिगमेंटेड कॉम्पैक्ट बना है हमारा, इसे हम यूज़ करके भी दिखाती हूँ अब स्पंज की सहायता से। तो इस तरह से आप कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर।